स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट मिनी बोट बिरयानी किरोल नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस गांव के पंचायत ने वहां पर एक स्विमिंग पूल बनाया था। गांव के सभी बच्चों को वहां तैराकी सीखने को कहा गया, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजते नहीं थे, इसीलिए उस स्विमिंग पूल की हालत एकदम खराब थी। एक दिन सोनू नाम का एक व्यक्ति उस गांव के मुखिया के पास गया। सोनू मुखिया से, मुखिया जी मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया सूझा है, इसमें हम दोनों का फायदा है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी सहायता करनी होगी, क्यों, क्या कहते हैं आप? तब मुखिया, अरे क्या अच्छा करूं भैया तुम्हारी सहायता, पहले ही गांव में स्विमिंग पूल बनाकर मेरा सत्यानाश हो गया, उसमें तो एकदम काई जमा हो गई है। मैं खुद MLA के पास गया था मदद मांगने, वो कहने लगे कि आएगा तो मार खाएगा, अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। तब सोनू, अरे मुखिया जी ये सब रहने दीजिए, अगर मैंने जो आइडिया कहा आपको, आप उसमें मेरी मदद करें, क्यों कोऑपरेट करें तो बहुत काम आएगा, है? कह देता हूँ, पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव में एक बोट बिरयानी रेस्टोरेंट खोलूं। मैं नदी के बीचों बीच बांस का एक सीटिंग बनाऊंगा, नदी के किनारे बिरयानी पकाएंगे और फिर छोटे छोटे नावों में जो लोग नदी के बीच में बैठे हैं उन्हें भेज दिया करेंगे, क्यों कैसा लगा मेरा आइडिया है? तब मुखिया, अरे जिन्हें तैरना नहीं आता वो नदी के बीचों बीच चले गए, अपना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भैया, वो तो इससे भी ज्यादा रिस्क है। तब सोनू, अरे भाई साहब हम ऐलान कर देंगे कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं के लिए है जो तैराकी जानते हैं, इस रेस्टोरेंट के अंदर वही आएंगे जो तैराकी अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी मुखिया जी ऐसा कौन है बताइए जो रेस्टोरेंट में आकर एंजॉय नहीं करेगा, भाई अपने गांव में तैराकी सीखेंगे और फिर रेस्टोरेंट में आएंगे तब अपना स्विमिंग पूल भी बहुत काम आएगा ना। ये सुनकर मुखिया उसके लिए मान गया। इस तरह अगले दिन से सोनू नदी के बीचों बीच बांस की मदद से लोगों के बैठने का इंतजाम करने लगा। उसके बाद कुछ मिनी बोट्स लेके आए और उस रेस्टोरेंट को तैयार किया। बाद में मुखिया ने आकर उसका उद्घाटन किया। अब बोट में बैठकर लोग नदी के बीचों बीच बांस की कुर्सियों में जाकर बैठने लगे। फिर वो बोट खाली वापस लौटने लगी। बाद में बिरयानी बनाकर मिनी बोट्स में रखने लगे। वो मिनी बोट्स जाकर लोगों को खाना देने लगा। वहां बांस की कुर्सियों में बैठने वाले लोग उस खाना को उठाकर आराम से खाते हुए मजा लेने लगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अनोखा था, ये रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। सिर्फ गांव के ही लोग नहीं, दूर दूर से लोग उस बोट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने लगे। ये देखकर गांव में पटवारी नाम के व्यक्ति को खूब जलन होने लगी। एक दिन पटवारी सोनू के पास आया। उसके बाद अपने आदमियों के साथ वो किनारे पर रखे नाव में चढ़कर बैठने लगा। ये देखकर सोनू, क्यों भैया तुम तो आराम से जाकर बैठ गए नाव में, हैं? पहले ये तो बताओ कि तुम तैराकी जानते हो कि नहीं। भाई जिसे तैराकी आती हो वही जाकर वहाँ बैठेगा, तभी तो जो मिनी बोट में बिरयानी भेजेंगे उसे आप खाते हुए मजे लेंगे। तब पटवारी, अरे भैया ये तुम क्या बता रहे हो, हैं? स्विमिंग सीखना तैराकी सीखने की बात कर रहे हो? अरे भैया मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तैरना वैरना कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाकर बैठूंगा और तुम्हारा बिरयानी खाऊंगा, वरना तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हो, हैं? तब सोनू, अरे भैया तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है, गांव के सबसे बड़े पहलवान तो तुम ही हो, लेकिन एक बात है भैया, अगर तुम पानी में डूब गए तो हम जिम्मेदार नहीं है, कह देता हूँ हाँ। बस इस कागज में ये दस्तखत कर दो कि मेरी जिम्मेदारी मेरी है और बैठ जाओ। तब पटवारी ने ठीक है कहकर कागज में दस्तखत कर दिए। तब सोनू ने पटवारी को नाव में बिठाया और उसे बीच में रखे कुर्सियों के पास ले गया। बाद में जब पटवारी वो बैम्बू सेटअप में चढ़ने लगा तो सोनू ने जानबूझकर पटवारी को पानी में धकेल दिया। पटवारी पानी में डूबने लगा। पटवारी बचाओ 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 कहकर चिल्लाने लगा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद सोनू
सोनू ने उसकी ओर एक रस्सी फेंका, पटवारी ने वो रस्सी पकड़ा। तब पटवारी नाव को तेजी से चलाने लगा। पटवारी नाव के पीछे रस्सी को पकड़े हुए पानी में तेजी से तैरता हुआ किनारे तक पहुंचा। नदी के किनारे पहुंचकर सोनू नाव से नीचे उतरा और पटवारी को एक बहुत बड़ा डंडा देते हुए पटवारी से, क्यों रे कमीने, ये आराम से अच्छी तरह बात समझाया तो तेरे दिमाग में बात नहीं चढ़ती है। अब तुम्हारी वजह से मेरा कितना टाइम बर्बाद हो गया पता है, अब और मजे लो, कहकर पटवारी को डंडे से खूब मारने लगा। तब पटवारी के साथ आए हुए व्यक्ति भी वहाँ से भागने लगे। जब गांव वालों को पटवारी के हालत के बारे में पता चला तब वो भी अपने अपने बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल जाने लगे और बच्चों को तैराकी सिखाने लगे। बाद में वो अपने बच्चों के साथ मिनी बोट बिरयानी खाने के लिए नदी के किनारे आने लगे। गांव वालों को तैराकी की ओर दिलचस्पी दिखाते हुए देखकर गांव का मुखिया सोनू की प्रशंसा करने लगा।